दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस लाख दावे करे लेकिन एक के बाद एक सनसनीखेज वारदात सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल एक महिला शॉपिंग करके अपने 2 साल के बच्चे के साथ घर वापस आ रही थी। बीच रास्ते में ही एक झपटमार चोर महिला के गले से चेन खींचने लगा, लेकिन वह चेन खींचने में नाकाम रहा। चेन खींचने के दौरान ही महिला के हाथ से बच्चा जमीन पर गिर गया। महिला गुस्से में चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई, तभी चोर ने महिला के गले पर चाकू से हमला कर दिया। उसने चाकू से 2 बार सिमरन के गले पर हमला किया। गले पर चाकू के वार से महिला बेसुध हो गई। खून से लथपथ महिला बच्चे की तरफ भागी, लेकिन कुछ समय बाद वह भी जमीन पर गिर गई। किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी घायल महिला के पास पहुंचते हैं। चाकू के वार से बेसुध हुई महिला को इलाज के लिए शालीमार बाग के एक अस्पताल में ले गए, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। नहीं, कल वाली गटिया हमारी बराबर में बिटिया रहती है, वो इधर से आई, इधर से आई और यहाँ पे सरेआम उनको ऐसे पकड़ा और यूं चक्कू लगाया और चक्कू लगा के चैन लेके अपना भाग गया। कोई कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ नहीं, यहाँ पे सब बेकार की चीजें, यहाँ पे कुछ नहीं ठीक ठाक। वहाँ पे पुलिस चौकी है बराबर में, मैं उधर से गाड़ी लेके आया, पूरा जाम पुलिस वालों का काम है, यही पूरा जाम है, आप यहाँ से गाड़ी थोड़ा करवा दीजिए, कल लीजिए, हमारी ड्यूटी नहीं है। महिला की मौत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो खंगालना शुरू किया, तो यह सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आए दिन झपटमारी की घटनाएं होती रहती हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। बताया गया कि महिला की उम्र महज 25 साल है। वह कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से मायके आई थी, लेकिन कुछ दिन में ही ऐसा हादसा हो गया कि महिला अब कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं जा सकेगी। वही महज 2 साल की उम्र के बच्चे ने अपनी माँ को आंखों के सामने ही आखिरी बार देखा। यह रोंगटे खड़े करने वाली घटना वाकई में किसी को भी झकझोर सकती है। पुलिस इस मामले के खुलासे में जुट गई। कैमरे में अपराधियों के चेहरे कैद हो चुके हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों चैन स्नेचर पेशेवर अपराधी हैं। वह पहले से ही कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं। आदर्श नगर थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को लगभग 10:45 बजे एक PCR कॉल आई थी, जिसमें ये इत्तला मिली थी कि एक लेडी को चाकू मार दिया है, जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इमिडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे, और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में केस FIR अंडर सेक्शन 302 IPC दर्ज किया गया और इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई। ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। लगभग 10 टीम्स अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द अंडरसाइन फॉर्म करी गई और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया। मौके का इंस्पेक्शन किया गया, जहां पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के CCTV फुटेज चेक करे गए, जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी, तो 2 लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है, तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें वो घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है फरदीन और अकीबुल। ये दोनों जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं और क्रिमिनल्स हैं। इस ऑफेंस में हमने जो वेपन, जो चाकू यूज़ किया गया था इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उसको रिकवर कर लिया है, और साथ में जो स्कूटी पे ये कल्प्रिट्स आए थे उसको भी रिकवर कर लिया है।
इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से और स्पीडी करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसकी पर्सनल मॉनिटरिंग मेरे क्लोज सुपरविजन में होगी। बहरहाल इस घटना से एक बार फिर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली तक ब्यूरो।